अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द स्पेडेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से बी एल आई एस सी एल आई एम एल आई एस कर रहे हैं कर चुके हैं या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं गाइडलाइन फॉर बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स और भी हेडिंग को कवर करेंगे जो कि पार्ट है यूनिट सेवन ब्लॉक टू एम एल आई आई वन जीरो टू तो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन की बात करें फॉर नॉन बुक मटीरियल वॉज प्रोड्यूस एंड पब्लिश इन नाइनटीन सेवनटी सेवन तो नाइनटीन सेवनटी सेवन में प्रोड्यूस और ये पब्लिश हुआ था दिस आई एस आई एस बी डी या फिर नॉन बुक मटीरियल है ये कंटेन करता है प्रोविज़न कन्वेइंग मशीन रिडेबल डेटा फाइल द आई एस बी डी जो रिव्यू है कमेटी फॉर्म किया गया था इफ्ला के द्वारा इन नाइनटीन एटी वन में डिसाइडेड टू गेव स्पेशल जो कंसिड्रेशन है टू कोप विद द रेपिडली इनक्रीजिंग नीड फॉर द सेपरेट आई एस बी डी फॉर कंप्यूटर फाइल हो गया एंड मैनी मोर तो यहाँ पे डब्ल्यू 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 डेट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब भी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं फिर आई एस बी डी ई आर की बात करें तो ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड व्यूलोग्राफिक डिस्क्रिप्शन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इज़ वन ऑफ द सेवरल जो पब्लिश्ड आई एस बी डी है जो कि टू स्पेसिफाई जो रिक्वायरमेंट हो गया फॉर द डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेसन ऑफ सच आइटम इन आइटम्स को डिस्क्राइब करना या आइडेंटिफाई करना टू असाइन और ऑर्डर टू द एलिमेंट्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन उस एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन को असाइन करना ऑर्डर करना इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स कंसीडर ऑफ जो कि मटीरियल है डेट आर कंप्यूटर कंट्रोल जो कंप्यूटर के कंट्रोल में है एग्जाम्पल के फॉर्म में सी डी रोम डी वी डी प्लेयर एंड मैनी मोर थिंग्स। फिर आता है जो प्रिस्क्राइब सोर्स है इंफॉर्मेशन का द बिबलोग्राफिक डिस्क्रिप्शन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इज कम्प कम्प्लीट इन एट एरिया एट एरिया में कम्प्लीट होता है इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम दिस चीफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विद द प्रिस्क्राइव लाइक द टाइटल एंड द स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरी साइड में यहाँ पे प्रिसक्राइब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बताया गया है तो फिर उसके बाद आता है एडिशन फिर आता है टाइप एंड द एक्सटेंट ऑफ रिसोर्स इस तरीके से जो एट्थ है वो है स्टैंडर्ड नंबर तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं यहाँ पर बताई गई हैं फिर है आउटलाइन ऑफ़ द आई एस बी डी जिसमें आउटलाइन किया गया सजेशन ऑफ आई जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स है जिसमें इंक्लूड होता है एरिया सब एरियाज एंड देर रिप्रेजेंटेटिव जो मार्क पंक्चुएशन मार्क्स हैं उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उस पर चलते हैं जो कि है गाइडलाइन फॉर बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरनेट रिसोर्स इंटरनेट रिसोर्स के गाइडलाइन है जो बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के ये देखते हैं अ मैनुअल गाइडलाइन हैज़ बीन डेवलप टू एक्सिस्ट ओ सी एल सी ओ सी एल सी को एग्जिस्ट करने के लिए एक गाइडलाइन मैनुअल जो है यहाँ पे जारी किया गया था डेवलप किया गया था ओ सी एल सी यूजर्स एंड आर प्रिपेयरिंग बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन और बाकी जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं बिब्लोग्राफिक डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन ऑफ रिसोर्स अवेलेबल थ्रू इंटरनेट इंटरनेट के द्वारा जो अवेलेबल होता है द मैनुअल इज बेस्ड ऑन द ए सी आर टू आर ए सी आर जो टू है इसके ऊपर बेस्ड है मैनअल नाइनटीन एटी एट एंड द अमेंडमेंट नाइनटीन नाइनटी थ्री एज वेल एज द इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड ब्यूलोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स इस प्रोवाइडे प्रोवाइड अ कन्वीनियंट सिंगल सोर्स फॉर इंफॉर्मेशन एक कन्वीनियन सिंगल सोर्स प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन का यहाँ पे इंफॉर्मेशन uh, जो कि बाई कम्बाइनिंग डिस्कशन ऑफ कैटलॉगिंग रूल्स जो कि अप्रोप्रिएट मार्क्स से फील्ड या इलास्ट्रेशन एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है दिस मैनुअल इज इंटेंटेड टू बी यूज एज अ कैटलॉगिंग एड्स उसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पे हेडिंग है वो है रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स एन ए सी आर टू रिविजन जो हुआ था टू थाउजेंड टू में ए सी आर टू रिविजन टू थाउजेंड टू सजेस्ट कलेक्शन जो कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का फ्राम द चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बिबलोग्राफिक डिस्क्रिप्शन द चीफ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स जो है यहाँ पर रिसोर्स इट्सल्फ है जो कि फॉर्मली रिप्रजेंट करता है एविडेंस ऑफ एविडेंस हो गया टाइटल स्क्रीन हो गया मेन मैनुअल प्रोग्राम स्टेटमेंट एंड मैनी मोर थिंग सच इंफॉर्मेशन है प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट एरिया ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डिफरेंट एरियाज के लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं टू एक्सेस द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ताकि जो सर्चिंग का प्रोसेस है उसको ईजी बनाया जा सके रूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स जो है आरफेमेंट ऑफ द जनरल जो रूल्स हो गया सो मैनी केसेस लाइक लेवल ऑफ डिटेल हो गया पंक्चुएशंस हो गए ऑफ एलिमेंट्स हो गया आर ट्रीटेड ऑन द सम लाइन लाइक रूल्स फ़ॉर टाइटल रूल्स फॉर टाइटल क्या रहेगा फिर रूल्स फॉर फॉर स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रूल्स फॉर एडिशन स्टेटमेंट क्या है रूल्स फ़ॉर टाइप्स एंड एक्सटेंट सोर्स एरिया रूल्स फॉर पब्लिश पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रूल्स फॉर फिज़िकल जो कि यहाँ पे डिस्क दिस्क्रि, डिस्क्रिप्शन मिलता है तो बेसिकली इन सब चीज़ों के रूल्स के बारे में ज़्यादातर यहाँ पे बात की गई है रूल्स फॉर सीरीज रूल्स रूल्स फॉर नोट्स एंड मैनी मोर थिंग्स तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट है आपको देखने को मिलेगा और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप ख़ुद भी अब्ज़ो कर रहे होंगे तो जो जो इम्पॉर्टेंट है हम आप लोगों को डिटेल में कवर करा रहे हैं और इसी के साथ ये जो यूनिट सेवन है ये भी हमारा कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप सभी से यूनिट एट में ब्लॉक टू एम एल आई वन जीरो टू एम एल आई आई वन जीरो टू चल रहा है तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद